गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत टाइम के बाद मैं लेके आ गई हूँ कोहली साड़ी ड्रॉपिंग, वो भी बॉलीवुड स्टाइल में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेवी साड़ी पे आप कैसे बॉलीवुड स्टाइल कोहली साड़ी ड्रॉप कर सकते हो, वो हम इस वीडियो पे सीखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो मैं साड़ी को यहाँ पे अच्छी तरीके से उठा भी नहीं पा रही हूँ। तो इसका दो पार्ट है, मतलब एक पार्ट में बॉर्डर है जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा हेवी है, और इसका ऑपोजिट पार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा थिन फैब्रिक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो नॉट बनाने में हमें थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका जो पल्लू पार्ट है आपको राइट साइड पे रखना है और इसका ऑपोजिट पार्ट को लेफ्ट साइड पे रखना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 5 हाथ नाप के छोड़ देना है। जो नेट फैब्रिक है वो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे रखे हैं। तो यहाँ पे 5 हाथ नापने के बाद यहाँ पे मैं आपको टाइट सा नॉट बना के दिखा रही हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा नीचे की तरफ साड़ी झुक रहा है और आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो नॉट बनाने के बाद साड़ी को ऊपर की तरफ हम यहाँ पे लेके आएंगे, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बॉर्डर कितना हेवी है, तो नेट फैब्रिक इसको उठा पा रहा है या नहीं आप खुद ही देख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो रहा है पर हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, पैंट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा देना है। जहाँ तक आप इसका लेंथ रखना चाहते हो तो आपको ऊपर की तरफ उठा देना है। फिर मैं यहाँ पर आपको ऑपोजिट साइड पर साड़ी को एक बार लेके जाऊँगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो एक बार लेने के बाद उसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइटली हमें खींचना है। जैसे कि जो नॉर्मल साड़ी होता है वो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से खींच पाती हूँ, पर नेट फैब्रिक साड़ी पे क्या होता है, अच्छी तरीके से खींच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अगर हम जितना खींचेंगे वो इतना यहाँ पे बाहर की तरफ नहीं आ पा रहा था, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, पर आप उसको अच्छी तरीके से सेट करोगे तो वो अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 2 बार घुमा देना है। 2 बार घूमने के बाद आपको बैक साइड पे चले जाना है और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में उसको अंदर की तरफ टकिंग कर देना है। तो 1 साइड हमारा कंप्लीट हो चुका है और ऑपोजिट साइड को आपको उसको फिर से पीछे की तरफ लेके जाना है और यहाँ पे उसको अच्छे तरीके से अपने हाथों से ही एडजस्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे सेट करने के बाद आपको यहाँ पे रफली प्लेट्स डाल देना है अपने हाथों से ही, जैसे हम नॉर्मल डेली लाइफ में डालते हैं। तो प्लेट्स डालने के बाद आपको उसको अच्छे तरीके से सेट करने के बाद उसको पीछे के साइड पे लेके जाना है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई भी कट नहीं लगाया है, आपको खुद ही मैंने यहाँ पे दिखाया है कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था नेट फैब्रिक के अंदर इतना हेवी पल्लू खींचते हुए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। पर ये आपको ध्यान से ही अच्छी तरीके से करना है। तो यहाँ पे हमारा साड़ी ऑपोजिट साइड पे आ चुका है और आपको यहाँ पे बॉर्डर को अच्छे तरीके से सेट कर देना है अपने हाथों से। आप चाहो तो किसी की मदद भी यहाँ पे ले सकते हो। तो साड़ी को सेट करने के बाद हमें यहाँ पे वापस से फ्रंट साइड पे घूम जाना है और यहाँ पे आपको बिल्कुल सेम टू सेम रफली प्लेट्स डाल देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और इसका जो बॉर्डर है आपको बॉर्डर ही यहाँ पे रखना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या करूँगी, सेंटर में लेके जाऊँगी, अपने कंधे पर डालूंगी, फिर एक सेफ्टी पिन की मदद से उसको अच्छे तरीके से सेट कर दूंगी।
जैसे कि बॉलीवुड स्टाइल कोली साड़ी पे यहाँ पे पल्लू को घुमाते हुए अपने कमर में सेट करते हैं, पर मैं यहाँ पे नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे थिक बॉर्डर है, इतना ज़्यादा यहाँ पे अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपको ऐसे उसको ओपनली छोड़ देना है। तो यह है इस वीडियो का फाइनल लुक, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हो। तो मुझे आपको ज़रूर से यह बताना है कि नेट फैब्रिक में आप भी कोली साड़ी, बॉलीवुड स्टाइल कोली साड़ी ड्रॉप कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए रहती हूँ, बाय बाय।